आरक्षण का मुद्दा क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुश्किलें खड़ी करने वाला है, और आरक्षण का मुद्दा क्या वाकई बीजेपी के लिए अब गले का पास बन चुका है, और कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण जो खत्म किया गया ये अब बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाए और दिल्ली में बैठी तमाम मंत्रियों की कुर्सियां हिलने लगे, और क्यों अब बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि दलितों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, गरीबों के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है, और सरकार को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, अपनी मुखर आवाज रखनी चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अगर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, दलितों के साथ खड़ी हो रही है तो बीजेपी क्यों नहीं खड़ी हो रही, और क्यों ये देखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर आया उसके बाद मायावती संतुष्ट नहीं है, चिराग पासवान संतुष्ट नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियां संतुष्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी संतुष्ट है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या मोदी सरकार ये चाह ही रही थी कि आरक्षण खत्म हो जाए, और कैसे आरक्षण की चिंगारी दिल्ली की सत्ता को राख कर देगी जलाकर, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। जी हाँ, चारों तरफ चर्चा केवल इसी बात की हो रही है कि आरक्षण आखिरकार क्यों खत्म किया गया, जो कोर्ट का फैसला आया वो सही नहीं है, लेकिन आप गौर कीजिएगा, जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा ना, जो बारीकियों से आपको समझाऊंगा उसे सुनने के बाद आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो क्या अगर मैं कहूँ ये गलत नहीं है कि मोदी सरकार की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है ये, और क्या सरकार ने वो कर दिया जो लोकसभा चुनावों से पहले बोला था, क्या बोला गया था सरकार की तरफ से, सरकार किन किन बातों पर फोकस कर रही थी, और सरकार एक शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही थी, वो क्या है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे इस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे। मैं चाहूंगा लोग मेरे इस प्रोग्राम को देखें, सुने, अपनी राय रखें, और ये भी बताएं क्या देश में आने वाला वक्त गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए अब ठीक नहीं रहेगा। चलिए शुरुआत अगर आरक्षण को लेकर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आवाज बुलंद किसकी तरफ से की गई। बसपा प्रमुख मायावती ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस फैसले को गलत बताया, मायावती ने कहा यह किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, गरीबों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को अब और ज्यादा दबाया जाएगा, अब और ज्यादा इनका शोषण किया जाएगा। तो वही चंद्रशेखर आजाद रावड़ जिन्होंने मैदान में उतर कर ये चेतावनी दे दी सरकार को कि अगर गरीबों का हक छीना गया, दलितों की आवाज को दबाया गया, पिछड़े वर्ग के लोगों को दबाया गया, तो फिर समझ लीजिए साहब कि देश में बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन होगा, और सरकार इस आंदोलन को रोक भी नहीं पाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी इस फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन बीजेपी का आज कोई भी नेता और मंत्री ये कहने को राजी ही नहीं है कि जो फैसला आया है वो गलत है। तो क्या ये माना जाए कि ये एक साजिश का हिस्सा है या नहीं है? चलिए अब धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जब भी रैलियां करने जा रहे थे, जब जब प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे? दरअसल देखा ये जा रहा है कि बीजेपी बहुत पहले से ये कह रही थी, अब मैं अगर बताऊंगा तो जनता को याद आ जाए, बीजेपी बहुत पहले से ये कह रही थी कि हम संविधान को बदल देंगे। जी हाँ, अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो गया होगा,
क्योंकि काफी समय से चर्चा हो रही थी कि अगर हम सत्ता में आए तो संविधान को बदल देंगे। और यही तो वजह रही कि जब बीजेपी चुनाव जीती, भले ही कम अंतर से जीती, लेकिन संसद की प्रतियां कॉपियां अखिलेश यादव के हाथ में थी जब वो शपथ लेने आए थे, राहुल गांधी के हाथ में थी, विपक्षी पार्टियों के कई बड़े सांसदों के हाथ में वो प्रतियां थी जिसमें वो बता रहे थे कि हम संविधान के लिए यहाँ पर आए, हम संविधान का जिक्र यहाँ करेंगे, हम संविधान को बचाएंगे, लेकिन नहीं बचा पाए, मजबूर हो गए, सरकार के आगे घुटने टेक दिया। ये वही तो संविधान है साहब जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। इस संविधान को बनने में कोई हफ्ता दो हफ्ता नहीं लगा, लंबा अरसा लग गया, क्योंकि इस संविधान में वो तमाम नियम कानून, वो तमाम बातें, तमाम धाराएं, सब कुछ इसमें लिखा गया जिससे आने वाले वक्त में देश में पिछड़ा जो वर्ग है, जो दलित समाज है, जो मुस्लिम समाज है, जो और पिछड़े तबके के लोग आते हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इन लोगों को आने वाले वक्त में तकलीफ ना हो, क्योंकि खुद तमाम तकलीफों का सामना किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान को लिखा तो बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया था, लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि बाबा साहब भीमराव उसके अंबेडकर जो है उनके उसी संविधान को आज वाकई बदल दिया गया। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहेंगे, कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए और जरूरी भी है, लेकिन यहाँ तो सवाल हम मोदी सरकार को लेकर कर रहे हैं ना कि आप तो बात बहुत पहले से कह भी रहे थे कि हम संविधान को बदल देंगे, हम संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं, 400 पार आएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तमाम बातें आपने कही, 400 पार नहीं आया, लेकिन आप लोग सत्ता में तो आ गए और सत्ता में आने के बाद आपने किया क्या? सत्ता में आने के बाद आपने वही किया जिसकी उम्मीद देश की जनता को नहीं थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल दिया गया। अब आप और समझिएगा, दरअसल ये देखा जा रहा है कि अब मौजूदा वक्त में सरकार जो है वो अमीरों को अमीर कर रही है, ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, और समझिएगा देश में से धीरे धीरे गरीब लोगों को भगा दिया जाएगा, पिछड़े वर्ग के लोगों को भगा दिया जाएगा, बेरोजगारों को देश से भगा दिया जाएगा, आने वाले वक्त में केवल वही लोग रह जाएंगे जो अमीर लोग हैं, जिनके जेब में माल भरा होगा, जिनके पास करोड़ों की संपत्तियां होगी, कोई केवल वही लोग रहेंगे, गरीब लोग नहीं रह पाएंगे। तो आप देख लीजिए देश के हालात की, देश की स्थिति क्या है, तस्वीर क्या कह रही है। दरअसल देश में इस वक्त देखा, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार इस वक्त तमाम कई बड़े बड़े फैसले कर रही है, उन्हें फिक्र नहीं है देश की जनता की, उन्हें फिक्र नहीं है पिछड़े वर्ग के लोगों की, और क्या पिछड़ा जो समाज है, जो दलित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका गला दबाने की क्या कोशिश नहीं की गई है, और क्या उनको जीते जी एक बार फिर से पीछे नहीं धकेल दिया गया। आप 1947 से पहले का दौर देखिए, जब भारत आजाद नहीं था, जब अंग्रेजों का शासनकाल था, उस दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत देश की जनता पर राज करती थी, तानाशाही मचा रखती थी, आम जनता का रहना तो साफ मुश्किल हो गया था, कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा था हम आप गरीब जनता को, हम आप जैसे गरीब लोगों को तो कीड़े मकोड़े समझती है ये सरकार, और अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए सरकार को बैंक का खजाना खोल देती है, लेकिन हमारे आपके लिए सरकार बैंक का खजाना नहीं खोलेगी, गरीब लोगों को आरक्षण नहीं देगी, उनके लिए राशन प्रोवाइड नहीं करवाएगी, केवल और केवल अमीरों के लिए काम हो रहा है। यही तो वजह है कि हम देखते हैं कि एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी हुई, अरबों खरबों रुपए उड़ा दिए गए और उसका पैसा जनता से भुगतान किया गया, रिचार्ज बढ़ाकर। तो इसी तरीके के हालात आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे, लेकिन आप खुद समझिए कि क्या वाकई सरकार जो है अब देश से गरीब जनता को भगाना चाहती है,
क्या मोदी सरकार अब हिटलर नीति पर उतारू हो गई है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार एक बहुत बड़े हद तक या सरकार एक बहुत बड़े हद तक देश को न सिर्फ हिंदू मुसलमान करके बांट रही है, पार्टी दिखाई भी दे रही है, बल्कि अब जाति के आधार पर भी देश को अलग थलग किया जा रहा है और देश से पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब तबके के जो लोग है उनको पूरी तरीके से भगाने की तैयारी है। क्या यही है सरकार का प्लान? और क्या अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि सरकार अपने मकसद में कामयाब हुई है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही तो नेम प्लेट से शुरुआत हो चुकी है और आने वाले वक्त में और कई नियम कायदे कानून बदले जाएंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि संविधान खत्म करने की बात थी तो उसको भी सरकार ने बहुत बड़े हद तक अपने काम को अंजाम दे दिया। क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए कहीं आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए। नमस्कार।